Hi guys, welcome again with inverse trigonometric graphs which we relate to JE. Okay, हमने already दो graph देख लिए हैं, sin inverse of sin x, cos inverse of cos x. I hope you all checked it out. अगर देख लिए हैं, so this is very easy, a laddu for you. Just see it and grab it. Okay. अब क्या करना है tan इनवर्स में, तो पहले तो लेट्स स्टार्ट विद सेम. अगर sin इनवर्स का देख लिया है तो बहुत ही इजी है. अकॉर्डिंग टू दैट वी नो वेरी वेल डोमेन ऑफ tan दैट इज r. अब यहाँ पे डोमेन रिलेट करता है दिस tan थीटा को. ओके, tan x, x की वैल्यू मैं कौन सी लिख सकती हूँ, r माइनस, मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी सारी वैल्यू व्हेन cos is 0, because tan is equal to sin by cos, so I have to subtract all these values. You can write down tan 2n plus 1 or 2n minus 1 pi by 2. If you want to see why these two are equal, 2n plus 1 or 2n minus 1 pi by 2, the set relate to this, these two are equal, you can see my session on set theory. फॉर 11th स्टैंडर्ड सेट थियरी में मैंने ये पूरा एक वीडियो बनाया है रिलेट टू दिस, व्हाई दिस सेट, दिस टू सेट्स आर इक्वल. ओके, सो यू कैन वॉच इट इन दैट सेशन. ओके, सो फॉर नाउ जस्ट रिमूव दिस. ओके, डोमेन इज इक्वल टू आर माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज, तो रेंज ऑफ द फंक्शन वी नो वेरी वेल, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू फॉर टेन इनवर्स. देखिए डोमेन फाइंड करना है तो हम एक्स देखेंगे. एक्स किसको रिलेट करता है, टेन को. तो डोमेन होगा आपका आर माइनस टू एन प्लस वन और माइनस वन पाई बाई टू. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज, तो हमें ये बाहर का जो फंक्शन है वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बिकॉज रेंज इससे रिलेट होता है. ओके, तो r माइनस माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, सो वी नो वेरी वेल पीरियड ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू पाई. एंड फंक्शन उसका बिहेवियर कैसा है, सो वी क्लियरली नो दैट tan इनवर्स इज ऑड फंक्शन. हाउ, बिकॉज सपोज देयर इज अ tan x के बदले इफ आई एम पुटिंग माइनस x, सो यू कैन राइट माइनस tan ऑफ x. एंड सपोज आई हैव tan इनवर्स ऑफ tan माइनस x, तो ये प्रॉपर्टी है इनवर्स फंक्शन की कि tan में अगर माइनस है, पहले ऐसे माइनस बाहर निकलेगा, फिर पूरा tan माइनस बाहर निकलेगा. सो दिस यू कैन क्लियरली डू फ्रॉम प्रॉपर्टीज. ओके, सो अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan x, विच इज वेरी 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 इजी. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ y एक्सिस एंड x एक्सिस. ओके, आई नो वेरी वेल इफ आई एम टेकिंग हियर माइनस पाई बाई टू, इफ आई एम टेकिंग हियर पाई बाई टू, सो फॉर tan इनवर्स ऑफ tan x, if I am writing y is equal to tan inverse of tan x, and if my value is between minus pi by 2 to pi by 2, then my answer is x. Okay, why? Because that is range of tan inverse. So यहाँ पे तो आपका directly क्या function जाएगा, फिर से y equal to x, and this is odd function. So now I hope you guys all clear that for odd function, your graph is like in positive and negative both value. For even function, your graph lies in only positive direction of y-axis. Okay, अब जो main point है, यहाँ पे we cut it out this point. Which one? Minus pi by 2 and pi by 2. All the values, all the multiples of pi by 2, we cut it out. Okay? तो यहाँ पे कहीं पे भी टच नहीं करेगा. देयर इज अ स्पेस, देयर इज अ स्पेस, दिस पॉइंट यू कैन नॉट टेक. ओके, बिकॉज दिस गोज इनफाइनाइट. अब व्हाट इज दिस ग्राफ, वाई इज इक्वल टू एक्स, दिस इज योर लाइन
y is equal to x. बस हो गया, finish. How? This is an odd function and period of tan is pi. तो pi interval तो यहाँ पे already बन गया. तो अब क्या होगा? Repeat, repeat, repeat. Okay, जो बात सीखनी है वो रिपीट तो हो रहा है, लेकिन कैसे वो लाई करेगा या फिर कैसे उसका बिहेवियर होगा, व्हाट इज द इक्वेशन, ये आपका सेम जाएगा डायरेक्टली पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू तक, बट इट कैन नॉट टच एनीवेयर. दिस इज नॉट टचिंग हियर और हियर. ओके, बट व्हाट इज द इक्वेशन? We want equation to solve the GE problems, right? So what is the equation? अब वो videos ठीक से देखे हैं तो यहाँ पे भी you can say this is also parallel line. तो parallel line है तो x तो आपको positive लिखना ही है. अब अगर मैं इसको stretch out करूँ तो if you are taking x equal to 0 because on y axis x equal to 0, तो अगर ये आप स्ट्रेच आउट करें तो y एक्सिस पे कहाँ पे टच करेगा? ऑब्वियसली ऑन माइनस पाई. ऑब्वियसली इट टच ऑन माइनस पाई. इफ यू आर पुटिंग x इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस योर वैल्यू इज माइनस पाई. सो सिंपल, इट टचेस माइनस पाई. सो योर इक्वेशन इज y इक्वल टू x माइनस पाई. व्हाट इज ऑन दिस साइड? Suppose this is minus 3 pi by 2. So behavior is same, your graph is same. Okay, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, like you guys, because आप comment नहीं करते हैं, smiley नहीं देते हैं मस्त वाली. So please do comment and smiley. Okay, otherwise I will cry like this. Okay, I want smiley from you if you like my videos. ओके, इफ यू लाइक माई टीचिंग मेथड ऑल्सो. यहाँ पे जीरो, सॉरी नॉट जीरो, यहाँ पे टच नहीं करेगा ग्राफ कहीं पे भी. सो यू कैन स्ट्रेच इट आउट. अब सिमिलरली यहाँ पे भी पैरेलल लाइन है, सो यू कैन राइट y इज इक्वल टू x एज वेल. अब यहाँ पे मैं स्ट्रेच कर रही हूँ फिर से इस लाइन को, आई एम स्ट्रेचिंग ओवर हियर. तो यहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट करेगा? अगेन यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं पे कनेक्ट करेगा. ठीक है, सो पॉजिटिव डायरेक्शन में इफ आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0, सो इट टचेस पाई. ओके, कहाँ पे टच करेगा? इट टचेस एट समवेयर y एक्सिस ऑन पाई. सपोज मैं आगे 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 बढ़ रही हूँ, सो दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर माइनस पाई, दिस इज योर 0, दिस इज योर पाई. ओके, सो ऐसे ही यू कैन सॉल्व एनी वैल्यूज. अगर यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो सिंपली क्या करना है, जहाँ पे आपकी नियर बाय वैल्यू है देख लीजिए आपका इंटरवल कौन सा आना चाहिए, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू. नियर बाय वैल्यू कौन सी है, आपको पाई ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, यू हैव टू चेक आउट फ्रॉम योर वैल्यूज ओनली. ओके, सपोज टेन इनवर्स टेन वन है तो टेन वन that values lie in minus pi by 2 to plus pi by 2, 10 inverse 10 1, that is less than 1.57, so you can direct take it as 1. Okay, let's solve some examples on it. Okay, अब जब 10 inverse of 10x के सम्स की बात कर रहे हैं रिलेटेड टू जेई, तो 10 इनवर्स में यूजुअली इस टाइप के सम्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस देन यू कैन प्रैक्टिस विद सम्स वी ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियोस ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स. ओके, तो बेसिकली इसमें जो सम्स होते हैं वो यूजुअली समेशन रिलेटेड होते हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y और 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y फॉर्मूलाज रिलेटेड. उससे रिलेटेड वीडियोस हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे पक्का, लेकिन अभी सपोज इससे रिलेटेड सम्स अगर बात करूं मैं, इससे रिलेटेड सम्स अगर करने हैं तो एक सम ऐसे कर सकते हैं कि इफ यू हैव 10 इनवर्स ऑफ 10 अंडर रूट 1 माइनस थीटा इज गिवन यू दैट रूट 1 माइनस थीटा, देन इन विच इंटरवल थीटा लाइज.
ओके वैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी अगर सॉल्व करना है एमसीक्यू मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ वी हैव टू सॉल्व दिस तो कैसे करेंगे सपोज एक तो चीज पक्की है कि एक्स एंड वाई समथिंग लाइक दिस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब बोल सकते हैं ओनली वेन योर एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू ठीक है तो यहाँ पे भी सिमिलरली हमें दिख रहा है कि वाई इक्वल टू एक्स है आपका सो दिस वैल्यू मस्ट लाई इन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू सो आई एम टेकिंग द वैल्यू बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू ओके नाउ बी केयरफुल नाउ आई एम डूइंग स्क्वायर ऑफ इट अब स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा ये आपका माइनस पाई बाई टू है दिस इज योर पाई बाई टू यहाँ पे आपका जीरो है सो रूट लाइज इन दिस इंटरवल ओके लेकिन रूट कैन नॉट लाई इन नेगेटिव वैल्यू सो योर वैल्यूज कन्वर्ट इन दिस इंटरवल व्हेन आई एम डूइंग स्क्वायर ऑफ इट सो स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर सो योर वैल्यू इज जीरो लेस देन और इट कैन बी इक्वल टू क्या होगा वन माइनस थीटा लेस देन पाई स्क्वायर बाय फोर ओके अब मुझे चाहिए थीटा ये आपका मेन टर्निंग पॉइंट है अगर इतना सॉल्व हो गया तो यू विन द हाफ डन ओके सो हाफ नहीं 90% योर वर्क हैज डन अब मुझे वन रिमूव करना है सो आई एम एडिंग माइनस वन ऑन ऑल द साइड्स यहां पे क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस फोर बाय फोर ओके अब माइनस है आई वॉन्ट पॉजिटिव थीटा So you must remember that if you are multiplying with minus, your inequality will be changed. So क्या होगा माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी सो वन ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है So your value become 4 minus pi square by 4. So theta belongs to open interval 4 minus pi square by 4 to close interval 1. So this can be your answer. Something related to this question can be asked. Otherwise 10 inverse 10 4, 10 inverse 10 100 you can solve by yourself. ओके वैसे सम हमने ऑलरेडी साइन और कॉस में किए हुए हैं लेकिन जो समेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वी कैन सॉल्व इट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स थैंक यू